He will give you a talk and he will give you ashar as well, inshallah. Nare Takbir, Nare Risalat, Ulama-e Ahle Sunnat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله السلامات لله وفضل العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وقال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. सिंह को खोल के दूसरी पढ़ी दी है सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या रहमतुल लिल आलमीन व अला आलिका व असहाबिका या शफीअल मुबीन. इंतहाए वाजिब इहतराम उलमा इज़्ज़त वकार मशायख उज़्ज़ाम बरादरी तरीकत अपने महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करने का आप यकीन खुश नसीब है. जितने भी बच्चों में आए बैठे हैं अल्लाह आपका आनर इन उलमा मशाइख की सरपरस्ती में हम सब के लिए बख्शिश के सबब बन जाए. आमीन सुम्मा आमीन. टाइम को कसर है तो मैं जो चाहूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम पर बड़े करम और एहसान कर रखे हैं तो अल्लाह की मोहब्बतों अल्लाह के इनामात के सिलसिले में हमारा रिटर्न क्या है तो जब देखे तो शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं. दो वाकयात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, शायद सदा करने का मौका न मिले. आपको बड़ा खूबसूरत पड़ा, अल्लाह आपको सलामत रखे. हमारे इस एरिया में पिछले 40 साल से स्प्रिंग्स में ईस्टलैंड में आउटिंग में और थ्रू आउट साउथ अफ्रीका माय डियर रिस्पेक्टेड ब्रदर लाइक माय एल्डर ब्रदर मिस्टर मोहम्मद शब्बीर खान साहब, इन्होंने आले सुन्नत की अकायद को जिंदा रखा. अल्लाह इनको सलामत रखे. ये इंजन की हैसियत रखते हैं और खुश नसीब है वो डब्बे जो इनसे जुड़ गए. और ये महफिल पाक से जाने पर मैं मशकूर ममनून हूँ सूफी बादशफा हजरत पीर मोहम्मद अब्बास ताहिरी मोहम्मद जहूर ताहिरी जो नए पढ़ाए और पीर तरीका जनाब पीर मोहम्मद इरफान साहब सैफी मोहम्मद अफजाल ताहिरी उनके जमीन मुआवरीन. अल्लाह सब को सलामत रखे और ये इसके मुस्तफ़ा की नस्बत और बहार अल्लाह का मेहर हमारी नस्लों में जारी करी. हमारे में बिना बसरी हज बैतुल्लाह के इरादे से निकले रस्ते में रात कर गए. मुख्तसर अंदाज करूंगा सिर्फ आपकी तवज्जो और जो इश्क की समात है वो दरकार है. तो रात एक हुजरे में दाखिल हुए मुहर्रम का थी कोई तो जब उसमें दाखिल हुए तो पता चला कि ये किसी मजूसी की जो इबादतगाह है मजूसियों की जो आपकी पूजा करते हैं. रात गुजारी तो अल्लाह के गुलामों के लिए वतीरा होता है जो उन पर एहसान करते हैं उस एहसान को याद रखते हैं और मौसम की नाशुक्री नहीं करते उसका शुक्र अदा करते हैं. तो इस महफिल पाक का पहला मैसेज ले लीजिए कि हमने देखना है कि क्या हम शुक्र करने वाले हैं. अल्लाह अल्लाह के रसूल की नवाज शाह का और फिर जो भाइयों ने साउथ अफ्रीका में हम पर एहसान किए क्या हमने उनका रिटर्न शुक्रिया कह के किया या उनकी टंगे काटने या उनकी जड़ें काटने की कोशिश की. तो सरकार का गुलाम ये है, सरकार फरमाते हैं कि बहुत से मेरे उम्मती जगत में इसलिए चले जाएंगे वो ज्यादा इबादत तो न कर सकेंगे लेकिन उस जुबान के उनके लाल के सच्चे होंगे मीठे होंगे. तो अल्लाह मुझे और आपको मुसलमानों का दस्तों बाजू करने की तौफीक अता फरमाए, उनको अकोमोडेट दुख और सुख में उनकी सपोर्ट करने वालों में शामिल फरमाए. तो सुबह उठे तो दिल चाहा इसने एहसान किया रात सर छुपाने के लिए जगह दी तो उससे थोड़ा अल्लाह का पैगाम उसको पहुंचाया तो कहने लगा कि यार मैं 90 साल का हूं मैं आदमी अपना खुलास नहीं. तो अल्लाह वालों की शान होती है उनकी सोबत में जो बैठ जाता है उस पर अल्लाह कर्म कर देता है. तो आपकी नजर से उस पर कर्म हो चुका था
लेकिन जो पढ़ रह जाती है, अकड़ रह जाती है, जो अला रह जाती है वो बाकी। तो जब बहस हुई, आपने उस पर पैगाम हक पहुंचाया, दावत इस्लाम पहुंचाई, तो कहने लगा अगर तेरा दीन सच्चा है तो आगे चल के दिखा। तो आपने फरमाया चल, तू आपकी पूजा करता है, 90 साल से आपकी पूजा कर रहे शुरू भाई, तो आग को तुझे नहीं जलाना चाहिए। तो दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, आग में घूम रहे, दोनों आग में घूम रहे, आग किसी को नहीं जला रहे। तो आप कितने में यह ख्याल आया जब आग से बाहर हुए मामला, मैंने तो सारी जिंदगी तेरे नबी की गुलामी पर, नबी की सीरत पर, कुरान और सुन्नत पर अमल करके गुजार दी, उसका अजर यह है कि मुशरिक के साथ में आग में गया, ना आग ने उसको जलाया ना मुझको जलाया। तो गैर से आवाज आई, तेरे हाथ की बरकत और नस्बत की वजह से तू भी बच गया। कह रहे सुभान अल्लाह, बात समझ नहीं आई आपको? तू मेरे नबी का गुलाम है, तूने उसका हाथ जो पकड़ रखा था, तो जिसके हाथ में मेरे नबी का हाथ, मेरे नबी के गुलाम का हाथ आ जाए, मैं उसको जलाऊंगी कैसे? इसको बोल के अकेला नाफिक होकर दिखाए। तो आपने उसी ने कहा क्या कैसे करते हैं, अकेले अकेले दाखिल होते हैं, तू इसकी 90 साल से इबादत कर रहा है तो इसमें दाखिल होकर दिखा दो। तो मजूसी को पता था आगे आएगा, उसको पता था आगे आएगा, कहने लगा नहीं तू पहले दाखिल हो। तो आपने अल्लाह के हुक्म से आग में छलांग लगाई, तो आग को अल्लाह ने आपके लिए नारे नागो गुनारे बना दिया, जैसे कि इब्राहिम के लिए गुजार बना दिया। तो उसको समझ आ गई कि ये सच्चे दीन का, सच्चे खुदा का, सच्चे नबी का पैरोकार है। कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया और पूछा कहां का इरादा है? आपने फरमाया कि मैं तो हरम शरीफ की तरफ जा रहा हूं। बहुत सरल, आप चले गए तो वो सजदा रेत हो गया कि मौला तेरा लाख लाख शुक्र इस बुढ़ापे में तूने मुझ पर कर्म किया, अपनी पहचान अपने नबी की गुलामी अदा की, तेरा लाख लाख शुक्र है। तो गैर से आवाज आई, तू राजी तो है ना हमसे? तो कहने लगा मौला तेरी राय, तेरे कर्म का क्या कहना, लेकिन थोड़ा सा कर्म कर दे कि वो जो बंदा तेरा घर देखने जा रहा है, मेरी उम्र भी नहीं, ताकत भी नहीं, तेरे लिए कोई बात नहीं है, अपनी कुदरत से मुझको अपने घर में उससे पहले पहुंचा दे। अल्लाह के कर्म से हवा को हुक्म हुआ, चंद सेकंडों में वो हरम शरीफ में इबादत कर रहा है। अब ये पूरी गुफ्तगू का मतलब है, जरा तवज्जो कीजिएगा। तो हरम पाक की दीवार मुस्लिम मंजिल पे मंजिल तय करके जब हम पर पहुंचे, तो हरम शरीफ में दाखिल हुए, देखो वो बाबा, देखा वो बाबा वहां पर तवाफ इकामा कर रहा है। आपने उसका हाथ पकड़ा, मेरे हरम साहब फरमाया करते हैं, मेरे उस्ताद यानी पंजाबी में हरम साहब कहते हैं कि उससे कहा कि तू होगी अल्लाह अकबर, कह रहे सुभान अल्लाह। उसने बड़े नाज से हाथ छुड़ाया, कहा ना ना मालिक ने वो नहीं हूं, वो होता तो वहीं पर होता, मैं वो होता तो वहीं पर होता, तेरी निस्बत से अल्लाह ने मुझ पर कर्म कर दिए, मैं तुमको बता नहीं सकता क्या क्या रब के रंग की बहारें देख रहा हूं। आप मुकाम इब्राहिम पर आए, सजदा की, रोए रोए मौला ये क्या, सारी उम्र शिर्क किया, इतना दर्जा दिया कि हम तो मंजिल को मंजिल सफर करके आए, तू हवा को हुक्म देता है चल रहे हुए, हवा उस वहां पर पहुंचा देती है। जवाब आया मालिक इस बात में तो फिक्र कि हमने उसको क्या दिया और तुमको क्या ना दिया, देख हमारी मोहब्बत और तहमत का सौदा कितना सस्ता है, कोई खरीदा भी नहीं है। सामने मोहतरम, अल्लाह ने मुझ पर आप पर कर्म किया, मेरी और आपकी ख्वाहिश नहीं थी बारगाह रिसालत में, उम्मत मुस्तफा में, गुलामी मुस्तफा में तो पैदा होने के लिए हमने कोई दरखास्त नहीं लिख रखी थी, ये अल्लाह का खास फजल कर्म है। और उसके बाद कितनी अदायतें, कितने फजल हैं, कितने कर्म हैं, कितनी रहमतें हैं। तो दामन मुस्तफा से मुझको और आपको रब ने कनेक्टेड किया है, और रब जैसा रब कोई नहीं। हम दुनिया में जो नस्ली लोग होते हैं ना, जिसको आप कहते हो बड़ा खानदानी है, जहां वो बड़ा किसी नस्ल के नाल वाला तल्लुक है, वो तो खा नहीं जा सकता। तो खुदा की कसम हम अपनी साथ साथ अपनी जात के साथ धोखा कर रहे हैं कि रब ने मुझे और आपको सरकार का गुलाम बना के जन्नती बनाया है, हम जहन्नम की तरफ आगे जा रहे हैं। वहां इरादा करें कि ना नमाज छूटेगी,
ना तिलावत कुरान छूटेगी, ना जिक्र मुस्तफा छूटेगा, तो कसर से दूर से पढ़ा जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाहिल्लाहु अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।